आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है, किस चीज का? जी मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम को आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देख ही रहे मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो। चीनी दे दे, चीनी दे दे, चीनी दे दे। अरे अशफाक मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है? अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है। और मैंने तुझसे कहा था ना ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है, आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी क्या भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम बताओ? मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता है ये, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। और? जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है, कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल, आप खुद पागल, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ, कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी है हमारी, तो फंस जाते हैं चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करे, देखभाल कर अच्छी जगह शादी करें। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी? आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी। वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। जी। लो वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई भाई नहीं है इसका, तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है, इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अच्छा है ना, अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास हो जाऊं। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तेरा शुक्र रबे पाक, तूने मेरी बच्ची को जहन्नुम से बचा।